सोशल मीडिया पे बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कभी मैसेजेस के फॉर्म में, कभी वीडियोस के फॉर्म में, कभी लिंक्स के फॉर्म में। अभी इसमें से बहुत से मिसकंसेप्शंस फैल जाते हैं और कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट्स दवाइयाँ बंद कर देते हैं, कुछ फ्रूट्स मैंगोज वैंगोज खाने शुरू कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और वो ब्लाइंडली ये सारी चीज़ों को बिलीव करते हैं। तो ऐसे ही हाल ही में मुझको काफ़ी पेशेंट्स ने कुछ लिंक्स भेजे हैं जिसमें एक यूट्यूब का वीडियो खुलता है और उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई है जो साइंटिफिक नहीं है। अभी जो ये मैंने वीडियो देखा, इसमें बहुत कुछ कहा गया है ब्लड शुगर के बारे में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सैक्रीन, एस्पार्टम वगैरह वगैरह के बारे में और बहुत कुछ बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में ग्लूकोज अलग होता है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ग्लूकोमीटर एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो कोई 100% परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो हम एक रैपिड टेस्ट करके यूज करते हैं, ऑन द स्पॉट टेस्ट करके यूज करते हैं और उसकी रिलायबिलिटी पूरी नहीं होती और वो मल्टीपल रीडिंग्स कोरिलेट करके एक डॉक्टर अपने डिसीजन लेता है। तो ग्लूकोमीटर कोई 100% रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल दैट एक हाथ में अलग आए, एक दूसरे हाथ में अलग आए। ऐसा कुछ नहीं होता कि इससे डायबिटीज का डायग्नोसिस होगा या नहीं होगा। अब इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि स्वीटनेस एंड डायबिटीज में बहुत कुछ कनेक्शन नहीं। इसमें बताया गया है कि किसी पेशेंट को अगर सिम्टम्स नहीं है और अगर उस पेशेंट के शुगर 250-300 है तो कुछ मैटर मत कीजिए, और किसी पेशेंट को डायबिटीज होके भी उसकी शुगर लो हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली रॉन्ग है, साइंटिफिकली इसको कोई तथ्य नहीं है। अगर शुगर हाई है तो वो डायबिटीज़ है, और इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई है कि कैसे डायबिटीज़ को क्योर किया जाए। तो अगर आप सच में डायबिटीज़ का क्योर सुनना चाहते हैं तो अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज़ क्योर हो सकता है या रिवर्स हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बता रहा हूँ, अगर आप अपने बॉडी का वेट लूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट रफली अराउंड 15% बॉडी वेट अगर लॉस हो जाता है तो काफ़ी अर्ली स्टेज के डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि अगर एक बड़ा आदमी है तो उसको शर्ट बड़ा लगेगा, अगर वही आदमी छोटा हो जाता है उसको छोटा शर्ट लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो बेसिकली आपकी बॉडी समझो इतना इंसुलिन बनाती है और अगर वो आपके लिए इनएडिक्वेट पड़ रहा है तो आपका शुगर बढ़ने लगता है, ब्लड में का शुगर, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है और आपको डायबिटीज आ जाता है। लेकिन अगर वही पेशेंट एक्सरसाइज करके वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा दे, अगर वेट लॉस करे और वो बॉडी अगर छोटी हो जाए, मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया तो छोटी बॉडी को छोटा शर्ट लगेगा, वैसे ही इस पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उतना ही इंसुलिन जो उसके बॉडी में बन रहा है या जो एक्टिव इंसुलिन उसके बॉडी में सेंसिटिव है उतना काम कर लेगा और पेशेंट का डायबिटीज कुछ हद तक या कुछ साल तक रिवर्स हो जाएगा या निकल जाएगा। इसको रेमिशन ऑफ डायबिटीज कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इंसुलिन वाले पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अभी इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई कि वो पर्टिकुलर स्पीकर ने अपने दो हाथ पे दो एम्बुलेटरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग के सेंसर्स लगा दिए और दो चार्ट कंपेयर करके बताए। तो ये सारी चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है, मिथ्या तथ्य चीज़ें कि दो ग्राफ ऑब्वियसली अलग अलग आने वाले। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा ब्लड लेके दो टेस्ट ट्यूब, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल के अगर मैं दो दो अलग अलग लैब्स को दे दूं तो उनके रीडिंग में भी या 5 या 10 mg/dL का फर्क आ सकता है। अब फॉरगेट अबाउट दैट, अगर मैं मेरा ही ब्लड निकाल के दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको दो अलग अलग नाम के सैंपल बना के अगर एक ही लैब में दे दूं तो भी उसमें 4-5 mg/dL का फर्क आ सकता है। तो ऐसा कोई एकदम फुल प्रूफ टेस्ट नहीं होता। सी, दिस टेस्ट ओनली गाइड अस टू ट्रीट अ पेशेंट बेटर। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों से बहक मत जाइए, साइंस को फॉलो कीजिए, अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए तो आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। वो डॉक्टर ने वीनस ब्लड निकाल के ग्लूकोमीटर पर डाला और बताया कि जैसे मेरा शुगर 160 है। तो पहली बात समझ लीजिए कि ग्लूकोमीटर कैपिलरी ब्लड के लिए बने हुए, कभी भी यहाँ से ब्लड निकाल के ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप पर मत डालिए। काफ़ी पेशेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं कि लैब में जाते हैं, लैब वाला यहाँ से प्रिक करता है, ब्लड निकालता है, तो वो सोचते हैं यहाँ पर क्यों प्रिक करना है और उसी का ब्लड डालने को कहते हैं। ग्लूकोमीटर पेरिफेरल ब्लड के लिए बना है, कैपिलरी ब्लड। पेरिफेरी मतलब ये पेरिफेरी हो गई, ये पेरिफेरी हो गई, ये पेरिफेरी हो गई, पैर का अंगूठा का एंड पेरिफेरी हो गया, यहाँ से अगर आप प्रिक करके ब्लड ले रहे तो उसके लिए ग्लूकोमीटर बना है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। और क्वेरीज कुछ ऐसी थी कि उसमें कि सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो ही डायबिटिक के पेशेंट ने ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज डायबिटीज नहीं होता। तो एक ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है।
डायबिटीज इज एसिम्टोमेटिक डिजीज, मोस्ट पेशेंट्स विल नॉट हैव एनी सिम्टम्स, ज्यादातर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होंगे लेकिन फ्लोराइड कॉम्प्लिकेशन अंदर अंदर चलते रहेंगे। तो ये सारी चीजें बराबर ध्यान रखिए कि सिम्टम्स हो या नहीं हो। अगर आपका शुगर लेवल एलिवेटेड है तो इट नीड्स ट्रीटमेंट। डोंट लिसन टू एनी सच फॉल्स एडवाइजेस विच विल मिसगाइड यू एंड क्रिएट हेल्थ ट्रबल फॉर यू। इट इज यू हु इज गोइंग टू सफर, नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ट्राइंग टू प्रीच। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ सच केसेस जहां पर पेशेंट्स ट्रबल में गए हैं और इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, कभी पैर कट गए, कभी रेटिनोपैथी हो गए, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो डायबिटीज जैसे मैंने बताया रिवर्स हो सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं हो तो भी डायबिटीज हो सकता है। और जैसे मैंने बताया ग्लूकोमीटर के बारे में, ये सारी चीजें याद रखने की कोशिश कीजिए। दूसरा कि मैंगोज के बारे में या फ्रूट्स के बारे में, कितने ही मैंगोज खाइए, मैंगो में फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब मैं फ्रुक्टोज के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि फाइनली तो फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज में ही मेटाबोलाइज होने वाला है लीवर में, और इसके अधिक सेवन के वजह से ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा भी खून में बढ़ सकती है, फैटी लीवर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और फैटी लीवर आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है लीवर के सिरोसिस के लिए। तो एक डायबिटिक पेशेंट ये सारी गलत बातों को बिल्कुल भी फॉलो ना करे, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। ये दो कंसेप्ट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, अब 50 के नीचे जिस भी फूड आइटम का 50 के नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। 50 से लेकर 75 के बीच में, 50-75 के बीच में जो होता है उसको मीडियम कहा जाता है, और 75 के ऊपर होता है उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। तो मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है, 51, सो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड में आ गया। लेकिन एक याद रखिए ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है, अगर आप इतना एक साथ खाते हैं तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। और जैसे मैंने बहुत पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि अगर आप कौन से स्टेज पे डायबिटीज है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना मैंगो खाना चाहिए, कितना फ्रूट खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ कि सूर्य नमस्कार निकालना अच्छा है, तो सपोज मैं 100 सूर्य नमस्कार निकालता हूँ तो मेरे लिए 1000 सूर्य नमस्कार करना अच्छा होगा क्या? शायद अच्छा हो सकता है। अभी इमेजिन कीजिए एक पेशेंट है जिसको बैकएक है, जिसको डिस्क का प्रॉब्लम है, अब उसके लिए सूर्य नमस्कार करना अच्छा नहीं होता, उसके लिए डेंजरस हो सकता है, रीथर हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो एडवाइस इन मेडिकल फील्ड शुड ऑलवेज बी इंडिविजुअलाइज उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और ये देने के लिए एक डॉक्टर, आपका डॉक्टर सबसे परफेक्ट पर्सन है, और डाइट के एडवाइस के लिए आपके डाइटिशियन सबसे परफेक्ट पर्सन है। तो ऐसे कोई भी मिथ्या चीजों पर बिलीव मत कीजिए, प्रॉपर डॉक्टर या डायटिशियन के कंसल्टेशन में रहिए। तो ग्लाइसेमिक लोड के बारे में और इसके बारे में बताऊंगा स्टेज ऑफ डायबिटीज के बारे में। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट अगर थोड़ा मैंगो भी खा ले तो ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, अगर वो बहुत ब्रिटल पेशेंट है तो। ऑन द अदर हैंड एक सिंपल डायबिटीज का पेशेंट है, थोड़ा बहुत ज्यादा खा लिया तो चलेगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते प्रॉपर आप डाइट वगैरह के रेस्ट्रिक्शन फॉलो कीजिए। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि ऐसे सारे वीडियो से मिसगाइड मत होइए, क्योंकि एक ये आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ सफर करने वाली है। आप ये एक्सपेरिमेंटिंग तो खुद पे कर लोगे एक्सपेरिमेंट, लेकिन सफर कौन करेगा? ना आपका डॉक्टर, ना पर्टिकुलर वो स्पीकर जो आपको लेक्चर दे रहा है, ये सफर सिर्फ आप और सिर्फ आप करने वाले। तो आप खुद को गिनी पिग ना बनाएं और ये सारे एक्सपेरिमेंट ना करें।